यानी दो दिल। ओके फिर चलो अब इस पे जरा गौर करते हैं। पहली बात, दो दिल ही क्यों? यानी वाकई में तुम्हारे जहन में कुछ है या इस वक्त ऐसे ही तुमने ये बात कह दी? दूसरी बात, सुबह तक इसे कैसे कंप्लीट करेंगे? हाँ, और तीसरी सबसे ज्यादा अहम बात, अयाज साहब को इसकी खबर है क्या? जवाब दे रही हूँ। एक, मेरे जहन में एक आइडिया है और मुझे यकीन है कि तुम्हें पसंद आएगा। दूसरा, हमें इसको 11 बजे तक कंप्लीट करना होगा। तीसरा, अयास को पता चला तो खत्म, यानी मैं खत्म। बहुत खूब जनाब। जावियार ऐसा तो नहीं करो, यानी अयास ने मेरी जॉब करने पे बहुत गुस्सा किया था, जानते हो तुम। अभी दोबारा सब मैं नहीं पढ़ सकती, उसे पता नहीं चलना चाहिए। शायमा डार्लिंग, कैसी हो तुम? मैं आज शाम नहीं आ सकूंगा। नहीं, वजह मत पूछो और बिल्कुल परेशान भी ना होना, मैं काम में बिजी हूँ। मैं तुम्हें बाद में सारी डिटेल बताऊंगा। बाबा के पास जाकर बहुत तवील डिस्कशन करनी है काम के हवाले से, ठीक है ना मेरी जान? ओके, आई लव यू टू, बाय बाय। चलो फिर शुरू करें। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे सीरियस ही रहेंगे क्या? बिल्कुल। एमरे जी, कहिए भाई। तुम्हारी टीम का मैच किसके साथ हो रहा है? भाई किसी और टॉपिक पे बात कर लेना। ठीक है एमरे जी। बोलिए भाई। फिजा का रिश्ता कब लेने जा रहे हो? सही कहा अयाज, बहुत अच्छी टीम थी वो, बहुत ही अच्छी फुटबॉल खेलते हैं वो लोग, लेकिन अब वो खेल ही नहीं रहे। रुको जरा, मैं गेस करता हूं। जीनिया से मेरी सुलह करवाना चाहते हैं आप, लेकिन जीनिया मैडम हमेशा की तरह आज शाम यहां आना भूल गई हैं। यार मालूम है, वो बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन चुके हैं। आपके अंदाजे के मुताबिक जीनिया मैडम के आज शाम यहाँ आने का कोई चांस है क्या? मैंने दिन में उसे मैसेज किया था, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, वो ये कह रही थी। उसने कहा ओके, मैं आ जाऊंगी, घर और टाइम पे भी ओके कहा, जरूर कोई काम निकल आया होगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, वो जरूर आएगी। हाँ मैं उसे जानती हूँ, मेरी गारंटी है। नहीं हो रहा यार। क्या नहीं जावियार, थकना नहीं है, कंप्लीट करना है इसे सुबह तक। प्रोजेक्ट खत्म करने तक यही है हम, मैं सुबह तक चुप रहूंगी। टेलीफोन पर भी जवाब नहीं दूंगी अब मैं। अच्छा अब मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम इसे बनाओगे, अब मैं बताऊंगी और तुम उसे ख्याल में लाओगे, बिल्कुल ऐसे जैसे एक बहुत बड़ा और अहम प्रोजेक्ट हो। गई। ओह थैंक यू। कोई बात नहीं, कैसा चल रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा, मैं थक गया हूं। यार अच्छा ठीक है, एक मिनट, ऐसे थकने से बात नहीं बनेगी। ओहो रिलैक्स, चलो होश में आओ। जावियार आंखें खोलो तुम अपनी। नहीं हो रहा यार। एक मिनट रुको, मार्कर कहाँ है? इससे ड्राइंग भी नहीं हो रही अब। कौन सा चाहिए? ये वाला। कॉल नहीं उठा रही। उफ़ ज़ीनिया पता नहीं कॉल क्यों नहीं उठा रही।
आया जरा तुम कॉल करके देखो। कौन मैं? क्या मालूम ऐसे ही जहन में बुरे ख्याल आ रहे हैं, क्या पता काम में बिजी हो या कुछ और। हमें मालूम तो हो कि वो कॉल क्यों नहीं अटेंड कर पा रही, तुम ट्राई करके देखो ना। ओके फोन उठा सकती हो अगर चाहो तो। आज रात इससे ज्यादा अहम कोई काम नहीं समझे तुम, सिर्फ यही काम करना है। सुबह तक इसे मुकम्मल जो करना है, मुझे पता है तुम जरूर कर लोगे। सब कुछ भूल जाओ, चाहे वो टेलीफोन हो या मोबाइल हो, तुम्हारा ताल्लुक बस इस पेपर और पेन से है। कोई रिप्लाई नहीं, देख लिया आपने, जीनिया मैडम के लिए मेरी भी कोई अहमियत बाकी नहीं रही। हाय, अल्लाह ना करे कहीं उसके साथ कोई मसला ना हो। क्या हो? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, तुमने अंदर आत्मान को डायरेक्टली कायल कर लिया है, वो भी सिर्फ एक डिजाइन से। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये बंदा इस तरह सिर्फ एक स्पेसिमेन से इंप्रेस हो जाएगा। तुम्हारे अंदर यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जीनिया। कोई भी तुम्हारे टैलेंट को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो चल के हम लोग शोरूम पर देख लेते हैं। वो जरूर मोनिका के पैरों में गिरी पड़ी होगी, बाकी दुनिया को भूल गई होगी। हम बिला वजह परेशान हो रहे हैं उसके लिए। लेकिन अब वो उस कंपनी की नई बॉस बन गई है, जिम्मेदारी बढ़ गई है उसकी, हमें ये भी सोचना चाहिए। अच्छा यार ठीक है, अब मुझ पे शुरू मत हो जाना तुम लोग। मुझे सच में इस बात की बहुत फिक्र हो रही है, मेरल आंटी को कॉल करनी चाहिए, शायद उन्हें मालूम हो कुछ। नहीं नहीं यार, उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं, छोड़ो जाने दो। ठीक है तो फिर मैं करता हूं। हेलो मीराल आंटी, गुड इवनिंग, मैं हूँ अयास। अयास, क्या बात है बेटा, कोई मसला हुआ है क्या? नहीं मेरा लांटी, एक्चुअली जीनिया से बात नहीं हो सकी थी इसलिए मैंने आपको फोन कर लिया। वो आज रात उसने काम खत्म करना था, उसने कॉल करके बताया था मुझे देर से आएगी शायद। तुम्हें नहीं बताया उसने? नो, मुझे नहीं बताया, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, गुड नाइट। क्या कहा, उन्हें उसके बारे में कुछ खबर है क्या? काम कर रही है। खैर छोड़ो, फिर भी सबका बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ थोड़ा वेट और कर लेना चाहिए हमें, वो आएगी, जरूर आएगी। मेरे दोस्तों बहुत शुक्रिया, आपकी कोशिश बहुत अच्छी थी, लेकिन एक बात ऐसी है जो आपको भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जीनिया ने जब से ये अपनी जॉब शुरू की है तब से उसे खुद के अलावा कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जीनिया यार, इसके बाद रूम बंद करके चीखे मार मार के रोती फिरना। हाँ तो दो दिल, टीम और इसके चाहने वाले, एक दूसरे के लिए धड़कने वाले दो दिल, और इनके ये दो दिल स्टेडियम में धड़कते हैं। ओके, ये प्रोजेक्ट अच्छा है, इसके अलावा इसका कोई और मकसद है क्या? बस दो दिल, एक दूसरे के लिए धड़कने वाले दो दिल।
ओके, बस यही है क्या? और क्या होना है, ये तो तुम्हारी काबिलियत पे डिपेंड करता है। ठीक है। क्यों दसदा नहीं मैनू किथे लग तेरा दिल गया वे।